लोकसभा चुनाव में अगर कांग्रेस को प्रदेश में सभी 25 सीटों पर जीत दर्ज करनी है तो उसे पैराशूट प्रत्याशी को दरकिनार करना होगा। रूठे कार्यकर्ताओं को मनाने के साथ ही किसान कर्ज माफी का फैसला भी जल्द से जल्द धरातल पर उतारना होगा। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत की यही चाबी है। लोकसभा चुनावों की तैयारी में जुटी कांग्रेस ने गुरुवार को 4 लोकसभा सीटों के लिए आयोजित मंथन बैठक में जब कार्यकर्ता और पदाधिकारियों से सुझाव मांगे तो उन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी और कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का सबसे ज़्यादा जोर पैराशूट प्रत्याशियों को नहीं उतारे जाने को पड़ता। उनका कहना है कि सरकार घोषणा पत्र के वायदों को जल्द से जल्द अमली जामा पहनाए ताकि मतदाताओं में भरोसा मजबूत हो सके। राजधानी जयपुर में CMR 8 सिविल लाइन में आयोजित बैठक में अशोक गहलोत, डिप्टी CM सचिन पायलट, प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे सहित वरिष्ठ पदाधिकारियों ने बीकानेर, गंगानगर, झुंझुनू लोकसभा सीटों के लिए कार्यकर्ता और पदाधिकारी रायशुमारी की बैठक में पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी भी शामिल हुए। चूरू सीट से उनकी दावेदारी को लेकर भी सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पार्टी जो आदेश देगी वही मान्य होगा।